दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। ये है कहानियों का मेरा नया खास शो पानी की चिट्ठी विद नीलेश मिश्रा। इसमें मैं हफ्ते में 3 बार आपको सुनाऊंगा भारत के अलग अलग हिस्सों से सच्ची कहानियों पर आधारित किस्से। इन कहानियों को आप तक पहुंचा रहा है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार। ये कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी किफायत। मैं पानी हूं, मैं हर खेत हर किसान की कहानी हूं। देश के एक सूबे पंजाब का नाम तो मेरे ऊपर ही रखा गया है। पंजाब यानी 5 नदियों वाला इलाका। आपको याद है मैंने इस इलाके में रहने वाले दलजिंदर की कहानी सुनाई थी आपको, जिसने अपने खेतों में सोलर पंप लगवाकर पानी की कमी को पूरा किया था। उसके खेतों में पानी की कमी को सोलर पंप ने दूर कर दिया, लेकिन पानी के साथ एक नई परेशानी भी जुड़ गई। उसी परेशानी को समझने आज मैं फिर उससे मिलने आया था। उसके पंप से बहते हुए मैंने महसूस किया कि उसके खेतों को जरूरत से ज्यादा पानी दिया जा रहा है। पहले जो पंप दिन में कुछ ही घंटे चलता था, वो सोलर पंप लगाने के बाद अब घंटों चलता रहता है। अब जो चीज मिले उसकी परवाह न करना शायद इंसानी फितरत है। दलजिंदर के लहलाते हुए खेत देखकर मुझे एक तरफ तो बहुत खुशी हुई, मगर दूसरी तरफ पंप से बेवजह बहते पानी को देखकर मुझे अफसोस भी हुआ। दिन चढ़ते चढ़ते दलजिंदर कस्बे के बाजार की तरफ बढ़ चला। बैंक में पैसे निकालकर निकलने ही वाला था कि उसको इंजीनियर साहब दिखाई दे गए। अरे भूल गए, ये वही इंजीनियर साहब हैं जिन्होंने दलजिंदर के खेत में सोलर पंप लगवाया था। उसने हाथ उठाकर जोर की आवाज लगाई, सत श्री अकाल इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब ने पीछे मुड़कर देखा और उसको पहचान गए। मुस्कुरा के बोले, सत श्री अकाल। अरे दलजिंदर तुसी इत्ते? हाथ में पैसे और पासबुक संभालते हुए उसने कहा, खरपतवार लई दवाई लेना है सी। खेतों नु पानी तो मिल रहा सी साहब, पर एक दिक्कत है, ज्यादा पानी की वजह से खरपतवार होन लग गई। एनु निकालन वास्ते पहला तो मजूर लगाए, पर हुण दवाई बाजू कोई चारा नहीं सीगा। इंजीनियर साहब ने पूछा, एक गल दस दलजिंदर, दवाई तो जमीन दा नुकसान नहीं होएगा? दलजिंदर के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो बोला, हुण कर भी की सकते हैं इंजीनियर साहब, अगर खरपतवार हटाण लई दवाई डाली तो जमीन दे जहरीली होण दा खतरा है, पर जे खरपतवार नहीं हटाई ते फसल दा नुकसान होएगा। कम नुकसान दा रस्ता चुनना साडी मजबूरी सीगी। दलजिंदर की परेशानी सुनकर इंजीनियर साहब मुस्कुराए, जैसे किसी माहिर हकीम ने नब्ज थाम कर मर्ज का पता लगा लिया हो। तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो गीत कहा। तुम हो तो है सब हासिल, तुम नहीं तो क्या है यहाँ। तुम हो तो है सपनों के जैसा हसीन एक समा। ये जिंदगी
दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। यह है कहानियों का मेरा नया खास शो पानी की चिट्ठी विद नीलेश मिश्रा। इसमें मैं हफ्ते में 3 बार आपको सुनाऊंगा भारत के अलग अलग हिस्सों से सच्ची कहानियों पर आधारित किस्से। इन कहानियों को आप तक पहुंचा रहा है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार। ये कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं कहानी किफायत। इस कहानी में अब तक आपने सुना पंजाब के कंडो करोरा गांव में रहने वाले दलजिंदर के खेतों में सोलर पंप से पानी तो आ गया, मगर उसके साथ खरपतवार की परेशानी भी आ गई। वो खरपतवार से निपटने के लिए दवाई डालने का फैसला लेता है। अब आगे, अगले रोज दलजिंदर अपने खेतों में पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। उसने दवाई छिड़कने का पंप निकाल लिया था, खरपतवार की दवाई भी निकाल ली थी, मगर दवाई डालने को उसका मन नहीं मान रहा था। रह रहकर उसे इंजीनियर साहब की बात याद आ रही थी। गांव के दूसरे बुजुर्ग भी दवाई का कम से कम इस्तेमाल करने की बात कहते थे। वो सोचने लगा कि काश खरपतवार को दूर करने का कोई और रास्ता होता। वो सोच ही रहा था कि इंजीनियर साहब की जीप उसके खेत के पास रुकी। उन्हें देखकर दलजिंदर को हैरानी भी हुई और खुशी भी। उसने कहा, इंजीनियर साहब, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुहानू याद कर रहा सी। इंजीनियर साहब ने पूछा, एस पंप उच की डाला सी? दलजिंदर ने कहा, साहब दवाई सी की खरपतवार ली। इंजीनियर साहब ने कहा, चलो पहले उस बला नू तो वेख ले जिनने तुहानू इन्ना परेशान कर रखा सी। खेत में पहुंचकर उन्होंने देखा कि खेत में जरूरत से ज्यादा पानी डाला गया है। पानी अगर इससे आधा भी दिया जाता तो फसल के लिए काफी होता। उन्होंने बाकी खेतों को भी देखा, उन्हें वहां भी पानी ज्यादा दिखाई दिया। उन्होंने दलजिंदर से पूछा, एक गल दस, खरपतवार तो हर फसल चोएगी, तुझसे यूं ही दवाई डाल दे रहोगे? बात तो बिल्कुल पते की थी, मगर दलजिंदर को समझ ही नहीं आया कि इस बात का जवाब क्या दे। उसके चेहरे की मायूसी और गाढ़ी हो गई। इंजीनियर साहब ने कहा, वेख दलजिंदर, दवाई डालना ऐसा इलाज नहीं है, तुहानू कुछ एंज करना होगा कि पानी सिर्फ फसल नू ही मिले, खरपतवार तक पानी जावे ही ना। वो चौंक के बोला, एंज किवें हो सकता है साहब? जब पानी खेत में जावेगा तो उगन वाले हर पौधे नू मिलेगा ना। इंजीनियर साहब ने तुरंत अपनी बात जोड़ी, ऐ तो गल है, असल प्रॉब्लम दी जड़ है पानी ही है। दलजिंदर को लगा जैसे इंजीनियर साहब पहेलियां बुझा रहे हैं। वो सोचने लगा कि जो पानी खेतों के लिए वरदान है वो समस्या की जड़ कैसे हो सकता है। लफंगा बड़ा अपने मन की करे, ओ यूं तो मेरा ही है, मुझसे भी ना डरे। ओ भीगे भीगे ख्यालों में डूबा रहे, मैं संभल रहे। इश्क महंगा पड़े फिर भी सौदा करे। मन लफंगा बड़ा अपने मन की करे। इसको प्यारी लगे चाहे क्यों नहीं सी कोई बीमारी लगे। बेचैनी रातों की नींदों में आंखें जगे, लम्हा हर लम्हा क्यों बोझ सा भारी लगे।
भंवरा सा बन के मत चलता है, बस तेरे पीछे पीछे चलता है। जुनू सा लहू में उबलता है, लुच्चा बेबात ही उछलता है। भीगे ख्यालों में डूबा रहे मैं संभल जा कहूं फिसलता रहे। इश्क महंगा पड़े फिर भी सौदा करे। मन लफंगा बड़ा अपने मन की करे। दोस्तों मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूँ। ये है कहानियों का मेरा नया खास शो पानी की चिट्ठी विद नीलेश मिश्रा। इसमें मैं हफ्ते में 3 बार आपको सुनाऊंगा भारत के अलग अलग हिस्सों से सच्ची कहानियों पर आधारित किस्से। इन कहानियों को आप तक पहुंचा रहा है जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार। ये कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं कहानी किफायत। इस कहानी में अब तक आपने सुना पंजाब का एक किसान दलजिंदर अपने खेतों में सोलर पंप लगवाकर पानी का इंतजाम करता है, लेकिन पानी के आने से उसके खेतों में खरपतवार की समस्या होने लगती है। इंजीनियर साहब उसको बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा पानी उसके खेतों में खरपतवार का कारण बन रहा है। अब आगे जब दलजिंदर को इंजीनियर साहब की पहेलियों जैसी बात समझ नहीं आई तो उसने सीधा सीधा पूछ लिया, साहब कहना की चाहते हो, साफ साफ दसो। इंजीनियर साहब ने खेत की तरफ इशारा करते हुए कहा, दलजिंदर तुसे अपने खेतों नु जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हो। उसे उनकी बात कुछ जची नहीं। वो बोला, अरे साहब इनने पहे भर के सोलर पंप लगाया है, हुन इस तो पानी भी ना लू। इंजीनियर साहब ने उसको टोका, पानी तुसी लो पर उन्ना ही पानी लो जिन्नी खेतों नु जरूरत है। ऐस कर बेतरती बहा के तुसी पानी नहीं बर्बाद ही कर रहे हो। दलजिंदर ने खेतों की तरफ देखा जहां सचमुच इतने पानी की जरूरत नहीं थी। फिर भी उसे इंजीनियर साहब का लॉजिक समझ नहीं आया। उसने पूछा, माना कि असी पानी दी बर्बादी कर रहे सी, मगर कम पानी देने से भी खरपतवार तो होवेगी ही ना। इंजीनियर साहब ने कहा, वेख दलजिंदर सिंचाई करण दे अलग अलग तरीके हैं, तुसी इन तरीकों दा इस्तेमाल कर सकते हो। तुसी ड्रिप ते फवारे तो सिंचाई कर सकते हो। ड्रिप तो पानी सीधे पौधों दी जड़ों नू मिलूंगा, इंज करके पानी दी बचत तो होवेगी ही, खरपतवार भी नहीं होगी। पानी बैंक विच रखे पैसों वर्गा है, बारिशां दे ए टाइम वड़दा है, तुसी एनू वेस्ट करोगे ताए घटता जाएगा। दलजिंदर को कुछ कुछ बात समझ में आने लगी थी। उसने इंजीनियर साहब से ड्रिप और फवारा सिंचाई के बारे में पूछा। इंजीनियर साहब ने वादा किया कि वो जरूर बताएंगे मगर परसों, क्योंकि अगले दिन जल मंत्रालय की तरफ से किसानों के लिए एक वर्कशॉप थी। और हाँ, चलते चलते उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वो एक गर्मा गर्म चाय लेंगे। दोनों के ठहाके गूंज पड़े और वो दलजिंदर के घर की तरफ चल दिए। तो दोस्तों ये थी आज की पानी की चिट्ठी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इन कहानियों को आप तक पहुंचा रहा है जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार। ये कहानियां आप दोबारा सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट www.mowr.gov.in पर। हमारे साथ साझा कीजिए पानी को बचाने की और पानी को बचाने वाले नायकों की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां। ट्विटर और फेसबुक पर यूज करिए ये हैशटैग पानी की चिट्ठी PANIKICHITTHI या देवनागरी में लिखिए हैशटैग पानी की चिट्ठी। तो दोस्तों अभी चलता हूं, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी। ये है कहानियों का मेरा खास शो पानी की चिट्ठी विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानी